चल उठ जा यार, वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। क्या भैया, भूल जाते हो क्या संडे है? तुम भी सो जाओ। आज संडे है? सॉरी सॉरी यार, खामा का तेरे को जगा दिया, सो जा। अरे ये बच्चा लोग नहीं आया अभी तक? अरे आ जाएगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग रोहित। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग रोहित। तुम छोटा बाबा को नहीं लाया, किधर है वो? क्या आंटी, आप भी भूल गई, आज संडे है। संडे वो ऊपर सो रहा है। क्यों, संडे आजकल दो दिन पहले आता क्या? क्या वो मामा बनाया तेरे को? इसका मतलब उसने मुझे उल्लू बनाया? वो बहुत नॉटी है, जाओ जाकर उसको जल्दी उठाओ, नहीं तो स्कूल के वास्ते देरी हो जाएगा। रिटायर होने का एक ही फायदा है, फ्राइडे हो या संडे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए अमित, भैया को उल्लू बनाता है, फ्राइडे को संडे, झूठ बोलता है। ओ भैया, थोड़ा सा झूठ तो चलता है ना, वो भी सुबह सुबह। एक बात बोलो भैया। बोल। आपको तो कोई भी मामा बना सकता है। क्यों, मेरे चेहरे पे लिखा है क्या? क्योंकि अब सीधे हैं और सादे भी। अबे ओ, इंस्टॉलमेंट में मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है? सीधा सादा एक साथ नहीं बोल सकता? आपको छेड़ने में बहुत मजा आता है। मजा आता है मुझे छेड़ने में? मजा आता है? एक बात बोलूं, जब तुम मुझे छेड़ता है ना तो मुझे भी बहुत मजा आता है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग अमित बाबा। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो जल्दी बैठो। क्या खुशबू आ रही है, लगता आंटी ने आज ऑमलेट बनाया। अरे भैया, हमारी आंटी बहुत ग्रेट है, ऑमलेट के साथ ब्रेड पर जाम और मक्खन लगा कर देती है। ए अमित, तू मेरे को मक्खन मत लगा। हाँ आज जैम नहीं है। आज जाम नहीं है तो कोई बात नहीं, भैया रास्ते में चॉकलेट खिला देंगे। देखा आंटी, आपको छोड़ के मुझे पकड़ लिया। अरे ये बहुत होशियार है, एकदम पक्का है, कैसा काम निकालता है। नहीं एक बात बोलूं आंटी, इस दुनिया में रहने का ना तो होशियार बन कर रहने का, और होशियार बनने के लिए चिकन खाना बहुत जरूरी है। ओ हम समझ गया समझ गया, हम शाम को चिकन बनाएगा बाबा के वास्ते। क्यों अंकल, आज आपका पेपर क्या बोलता है, आज कितना लोग? वो छोड़ो मैन, रोहित तेरा वास्ते गुड न्यूज है, ये तेरा बॉस है ना, वो फाइव स्टार होटल का मालिक, उसको रात में एक सिंगर का जरूरत है, देख ऐड आया, व्हाट डिड यू ट्राई मैन? अरे कितना काम करेगा ये बच्चा, खुद तो बेकार है, दूसरे को काम पर लगाता है, दिन में नौकरी करता है ना ये, क्या रात को भी काम करेगा? औरत अपना मर्द का बात जिंदगी में एक बार सुनो, वो दिन में जो काम करता है ना वो अपना पेट का वास्ते करता है, लेकिन ये काम जो वो करेगा ना वो अपना सपना पूरा करना का वास्ते करेगा। छमन तुम क्या समझेगा कांडा बटाटा वाली, यू नो म्यूजिक गाना जिंदगी में खुशी लाता है, म्यूजिक इज द फूड फॉर लाइफ।
अरे वो आए हमारे मोटर खाने पे, खुदा दी कुदरत है, कभी हम उनको और कभी वो अरे छोड़ो जी, तुसी आकर कमाल कितना सर जी, शक्ति तूने अपनी सारी आदतें बदल दी, लेकिन ये सर जी कहना भूला नहीं यार। अरे यार मैं पुल जानता हूँ, दस यार कैसे आना हुआ? बस एक एक गाड़ी चाहिए यार। अरे गड्डी की, तेरे लिए जान हाजिर है। और रोहित मुंडिया। यस सर। ये साडा स्टार सेल्समैन है, इन्हू देखती कुड़िया गड्डी खरीद लेती है। और ये साडा पुराना जिगरी यार, हम प्याला हम निवाला मिस्टर सक्सेना, ओए करोड़पति है, इन्हू एक बढ़िया गड्डी दिखा। यस सर। आइए। आप खुशकिस्मत है सर कि आजकल इंडिया में नई नई गाड़ी आने लग गई है। ये देखिए सर, द लेक्सस जीएस 300 लेटेस्ट है। ले लीजिए ना सर, अच्छी है लेकिन हम... तो आप यहाँ ही है सर, द मर्सिडीज C180 ऑटोमेटिक है और इसका रंग भी आपकी पर्सनालिटी को 100% सूट करता है। ले लीजिए ना सर। तुम किस किस्म की गाड़ी लेना पसंद करोगे? ऑटो रिक्शा सर। तुम नहीं, तुम ऑटो रिक्शा ही लोगे, मुझे मालूम है। तुम सर, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं वो गाड़ी खरीदना चाहता। ये देखिए सर, छोटी की छोटी और तेज की तेज। ये हुई ना बात, तो ले लीजिए ना सर। ले ली, मेरी है। ए रोहित, तूने सिंगर के जॉब के लिए अपने बॉस से बात किया है ना? लेकिन होटल का बिजनेस उनका बेटा अतुल संभालता है, हमें उसे जाके मिलना होगा। या कम इन रोहित। अच्छा डैडी का फोन आया था, आप दोनों सिंगर के जॉब के लिए आए ना? जी सर। सुन लीजिए ना सर। ठीक है सुन लेते हैं, आप अपना बैंड ले आइए, मैं ऑडिशन ले लेता हूँ। बैंड? हाँ बैंड। सर हम लोग का कोई बैंड वैंड तो है नहीं सर, बस मैं गाना गाता हूँ और ये टोनी फ्लूट बजाता है। सुन लीजिए ना सर। लुक फ्रेंड्स, ये 5-स्टार होटल है, यहाँ जितने भी म्यूजिकल शोज होते हैं वो सब पूरे बैंड के साथ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सिंथेसाइजर्स उनका जमाना है। सुन लीजिए ना सर। नो वे बॉडी, ये होटल बिजनेस है, हमारी रेपुटेशन का सवाल है, इट्स नॉट अ जोक। हाँ आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से आप लोग जाके किसी रेस्टोरेंट में ट्राई कीजिए। गुड लक। थैंक यू सर। डैडी व्हाट इज ऑल दिस? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सोनिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग। दिस इज अ रियल सरप्राइज डैडी। एनीथिंग फॉर यू। अच्छा शाम का क्या प्रोग्राम है? अतुल अपने आउट हाउस में मेरे ऑनर में पार्टी दे रहा है। दैट्स फैंटास्टिक। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है? अरे बाहर द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है बालिके। सच? सांच को आंच नहीं, जाओ जाकर अपना उपहार ग्रहण करो। You're so sweet, daddy. हेलो। उपहार कैसा लगा सोनिया? अति सुंदर। रंग कैसा है? स्वच्छ निर्मल डैडी। तुम उसे चला कर क्यों नहीं देखती? तुम चाबी से चलते हो? ये तो आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या क्या क्या? मैं इतनी हिंदी नहीं समझती। जानता हूँ, अब आप अपना उपहार देखने का कष्ट करेंगी? देख तो रही हूँ। ख्याल है? बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है। पॉइंट नोटेड मिस्टर रोहित। एक्सक्यूज मी मिस सोनिया, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या हुआ यार सूट को? अब तक तो ठीक था मैन। चल बजा। कौन है? तू क्या?
बैटमैन, ये तो वही है ना, अपने बॉस का बेटा। अरे हाँ, उधर अपना गाना सुनने को नहीं मांगता था ना, इधर उसका पाप को भी सुनना पड़ेगा। वो कैसे समझा? अरे पहले तो तुम्हें मैंने कभी इस रूप में देखा ही नहीं है ना, क्योंकि मैंने भी आज ही जाना है कि खूबसूरती सादगी में ही है। अच्छा, बिल्कुल। अरे ये साउंड को क्या हो गया? सुनिए, एक्सक्यूज मी, एक मिनट में देखकर आता हूँ। हे हे ला 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 ला
है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन हो। सादापन तो कितना सुंदर होगा मन बिन गहने और सिंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन। काजल बिंदिया कंगन झुमके जमाने हैं ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? मुसीबत में थे, बुलाना पड़ा। आपने लगता है आज का अखबार नहीं पढ़ा? जो ड्रग्स पुलिस डिपार्टमेंट आज रात जलाने वाली थी वो कल रात ही जला दी। जला दी? लेकिन मैं तो पार्टी से एडवांस ले चुका हूँ। फिकर मत कीजिए, करीब 10 करोड़ का माल हमने बचा लिया है, वो हमारे कब्जे में है। हम परेशान इसलिए हैं कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, इसलिए वो माल आप आज ही उठवा लीजिए और हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। हिस्सा हिस्सा हिस्सा, जिस तरह तुम लोगों का हिस्सा आज तक मिलता रहा है ये भी मिल जाएगा। है बड़े लिली, वो पुलिस लोग जो करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा था ना, यही कोकेन एलएसडी हेरोइन, बोलता है कल रात को सब जला डाला। Yeah, man, ये सब बात हमको मालूम है, हमारा आंखी में धूल झोंकने का वास्ते न्यूज में छपा है। अखा दुनिया का फिक्र है तुमको, घर में पकेगा क्या उसका फिक्र नहीं है? ये तुम्हारा न्यूज़पेपर बॉईल करके उसका नूडल्स बनेगा क्या? हम रोहित, हमको इस महीने का भाड़ा नहीं दिया, ऊपर से फूड मनी भी नहीं दिया, हम किधर से खर्चा चलाएगा बताओ तुम, बोलो। ओफो, कैसा बात करता है, नहीं दिया तो दे देगा मैन, उसको खुद कुछ नहीं मिला होगा। आजकल कितना खर्चा होता है मालूम? अरे वो तो हम बोलता है, सब चीज कितना महंगा हो गया है, सोने के भाव में मिलता है, खाने के टाइम में सब लोग आ जाता है, लेकिन हम कहां से पूरा करेंगे? ये क्या है? पिगी बैंक, सारे पैसे निकालो मगर मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलना। क्या बोला, क्या बोला तुम? आज का छोकरा हमको भाव बताता है, हमको पैसा दिखाता है, तुम क्या समझो अपने आंटी को? चल बैठ, ब्रेकफास्ट कर। नहीं, मेरे को नहीं खाने का है, नहीं खाएगा मैं। अरे अमित, अमित, अमित बेटा, अरे अमित वापस आ जाओ। अमित बात सुनो, अमित बात सुनो मेरा। क्या हुआ आंटी? अमित हमसे नाराज होकर चला गया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, भूखा चला गया। मैं देखता हूँ। ए अमित, ऐसे क्यों चला आया? नाश्ता भी नहीं किया? आंटी इतनी परेशान है, क्या हुआ क्या? तो फिर आपके बारे में बुरा क्यों बोलती है? क्या कहा आंटी ने? कि आपने पैसा नहीं दिया। गलत तो नहीं कहा? तो फिर क्यों बोलती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे अमित, मजबूरी भी कोई चीज होती है, जैसे कि मैं मजबूर हूँ कि मैं आंटी को पैसे नहीं दे पा रहा हूँ,
और आंटी मजबूर हैं क्योंकि उनके पास घर के खर्चे के लिए पैसे नहीं। अमित, तूने आंटी का गुस्सा देखा है? उनकी आंसू नहीं देखे? अरे आंटी तो हमारी माँ जैसी है। अमित, माँ जैसी है? माँ तो नहीं। माँ जैसी माँ से कम नहीं होती अमित। भैया, हमारी माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्या बताऊं अमित, सच तो यह है कि मैं भी नहीं जानता। शायद किस्मत पहले माँ हमें छोड़ के चली गई, फिर पिताजी, शायद भगवान की यही मर्जी थी। लेकिन एक बात का प्रॉमिस मैं तुम्हें करता हूं अमित, कि अपनी जिंदगी में मैं तुम्हें उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। He loves me. He hates me. किसके लिए हो रहा है? Guess. रोहित, of course. तुमने कैसे जाना? Come on, Dumbo. कल रात जैसे तुम उसकी ओर देखे जा रहे थे और वो तुम्हारी ओर देखे जा रहा था। Anybody in the world can guess. ये आँखों आँखों की बातें, am I right? कुछ कुछ। Atul, boys, the cruise tickets have come. Yours? This is yours. The ship leaves exactly at 9 o'clock for Singapore. Okay? Okay. पर मैं आना नहीं चाहती। क्या? Come on, Sonia, don't spoil the fun. पर मूड नहीं है। ठीक है, बताओ, रोहित भी नहीं आएगा? What? रोहित? Yes, रोहित भी हमारे साथ क्रूज पे चल रहा है। मैंने उसे गाना गाने के लिए इंगेज कर लिया। Are you sure रोहित is coming? Am I? मैंने उसे 10,000 रुपए एडवांस भी दे दिए। अब तो आ रही हो ना? मैंने इनकार ही कब किया था? रोहित अभी तक नहीं आया, अब क्या होगा अतुल? और शिफ्ट छूटने का टाइम हो गया। लेकिन वो नहीं आया तो? क्या बेतुकी बातें कर रही हो, आता ही होगा। कैप्टन, could you please delay the ship just for 5 minutes? I'm expecting a friend. He'll be here any moment now. Just 5 minutes, Captain, please. I'm sorry. I cannot delay the ship. The ship has to sail on time. अब तो आने का कोई चांस नहीं है। No chance. मेरे 10,000 भी गए। Stupid! तुम्हें अपनी 10,000 की पड़ी हुई है। Stupid! Idiot! शिप मिस कर दिया, सारी प्लानिंग उम्मीदें सब पानी में। अब मैं क्या करूंगी इस स्टूपिड शिप पर? मैं अकेली क्या करूंगी? क्यों किया, क्यों किया ऐसे? प्यार की कश्ती में है प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में।
चले हम जोर जोर में गगन से दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में गगन से दूर। मैं तो टाइम से 3 घंटे पहले ही पहुंच गया था। क्या सच बात तो यह है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुझे भी नींद नहीं आई। पहली बार है ना? पहली बार क्या होता है,
बेचैनी होती है और साथ में खुशी का एहसास भी होता है। ये तो तुम बिल्कुल मेरी दिल की कह रहे हो। तुम्हें भी? मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कभी ऐसा लगता है कि आसमान के सारे सितारे उतर कर मेरी गोद में आ गिरे हो, और कभी ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहे हो? Stop it, stop it, leave me alone, enough now, जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। Ready girls, smile. Hey, one more. Nice. Hey, one minute. Hey, ready? Hey, what are you doing? Hey, put up your hand. Oh, wow, that's a lovely Titanic pose. Wow, Titanic. Stop it. Enough now. What's going on? Oh no. How mean, yaar. Miss J. Are... यहाँ कोई नहीं है। हाँ तो हम कहाँ थे? तुम शायद सितारों की बात कर रही थी। अच्छा मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे थे? मैं क्या बताऊँ, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा। क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया? पूरा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है। मुझे भी कुछ कुछ। लेकिन तुम तो क्रूज पर कई बार आ चुकी होगी। क्रूज? और कई शिप देखे होंगे। शिप? तुम अब तक क्रूज और शिप की बातें कर रहे थे? क्यों, तुम क्या समझी? मैंने समझा कि वो मैं तुम मुझसे मैं हाय हाय हैंडसम कम अरे अरे ये क्या मार डाला तुमने मुझे। व्हाट अ वॉइस यू हैव। तुम तो मेरी सांसों में बस गए हो। मेरे दिल पर अपना नाम लिख दो ना। जी मेरा मतलब है यहाँ पेन। ओह श्योर। ये सीन होएगा ये तो मालूम था, लेकिन इतनी जल्दी होएगा ये नहीं मालूम था। देखो देखो कैसे अपना नाम उसके दिल पर लिख रहा है। देखो दिल पर थोड़ी लिख रहा है, हाथ पर लिख रहा है। आ, आ, बात हाथ से ही शुरू होती है। ओह हाउ स्वीट। हाय एक्सक्यूज मी। अरे सोनिया गो टू हेल। अरे अरे मेरी बात तो सुनो। व्हाट अ सिली गर्ल। चलो मेरी मम्मी पापा तुम्हारे चाय पे इंतजार कर रहे हैं। क्या चलो ना प्लीज। मेरे छोटे मोटे भैया अमित, मैं यहाँ जादू की नगरी में घूम रहा हूँ। शिप क्या है, शहर का शहर पानी के ऊपर भाग रहा है। तुम मुझे बहुत याद आते हो। कभी जिंदगी में कामयाब हुआ ना तो तुम्हें अंकल और आंटी को शिप की सैर जरूर करवाऊंगा। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, तुम्हें वो सिग्नल वाली लड़की याद है? वो भी इसी जहाज पर है। नाम तो सोनिया है, लेकिन उसकी सारी सहेलियां उसे मिस जे कहकर पुकारती हैं। बात बात पर चिढ़ती है, और गुस्सा गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर बैठा हो। क्या समझता है अपने आप को, दुनिया में वही एक लड़का नहीं है मेरे सामने फ्लर्ट करता है? मैं बताऊंगी कि फ्लर्टिंग क्या होती है, वो मुझे जानता नहीं। वही होगा, आया होगा माफी मांगने। I'm sorry. तुम? क्यों? तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? तुम्हारे होते हुए मैं किसी और को एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? तुमने तो आकर मेरी शाम बना दी है। तुम्हारे तो तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब आगे आगे देखो, पागल न बना दिया तो मेरा भी नाम सोनिया नहीं। ए, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ हा? पार्टी रे। अरे तू यही पहन के क्रिसमस पार्टी में जाएगा क्या? ये चलना उठना जल्दी करना। ऐसा जाएगा पार्टी में ये कोट पहन के? क्यों, ये मेरा बेस्ट संडे कोट है मैन, चोर बाजार से खरीदा है। चर्च में भी यही पहन के जाता अपन। इधर नहीं चलेगा। तो इधर क्या चलेगा? पढ़, इसमें लगा है कि डीजे पहन कर जाना है। डीजे? डिनर जैकेट यानी बो और सूट है अपन के पास। वो तो नहीं है। इसका मतलब अपन क्रिसमस पार्टी में नहीं जा सकेगा क्या? बैठ, अपन आपस में क्रिसमस मनाते हैं। आइडिया, लॉन्ड्रिस्टा प्रिपेयर्स थिंग्स फॉर क्रिसमस टाइम सर। लॉन्ड्रिस्टा? यस लॉन्ड्री बॉय सर। मेरी क्रिसमस सर। मेरी क्रिसमस। फ्री प्रीआइनिंग सर। फ्री आइनिंग, एक्सेलेंट। शर्ट सर? शर्ट, यस। टेक दिस।
pantaloons are pants. Pants? Come back soon. See the moon? See the moon? But there isn't any moon. There's somewhere in the sky, sir. Next to it will be, I wish me a Merry Christmas. I wish me a Merry... Laundry, sir. Yes. Laundry boy, sir. Wow! देखो देखो कौन है? Look. My God, he's so handsome. Maybe. Hi! Wow! Wow! A special gift for someone so special. For me? Yeah. Thank you. Welcome. Excuse me. Yeah. Oh. ये फूल मेरी तरफ से आपके लिए. ये फूल मेरी तरफ से आपके लिए. किसी का दिया हुआ तोहफा किसी दूसरे को पेश नहीं किया जाता. यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ. किसी और का दिया हुआ तोहफा किसी और को पेश नहीं करते. अरे मगर सोनिया मैं क्या करूँगा इस गुलाब का. ये फूल तुम्हारे हाथ में कितना सज रहा है. मगर सोनिया तुम्हें मालूम है मुझे गुलाब से एलर्जी है. हेलो हेलो हेलो. लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज. द टू मैजिशियंस जादूगर हु वर टू प्रेजेंट द मैजिक शो हियर दे हैव बीन डिलेड समहाउ. प्लीज बेयर विद अस as two jadugars will be here any moment. Laundry boy, laundry boy, laundry boy. ये आपके लिए. मेरे लिए? ये फूल जो पूरे हॉल में ट्रैवल करके आया है आप ही को शोभा देता है. ले लीजिए ना. थैंक यू. लेकिन तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता चला? इसे प्यार का जादू समझ लीजिए. Star Brigade, tan tan tan. अरे करा मैं थैंक यू. ये सब क्या हो रहा है यार? ये कपड़े कहाँ से लाए तू? चैमन लगता है वो जादूगर लोग के मैजिक दिखाने वाले थे ना. मैजिक? वाओ वाओ. Merry Christmas! Merry Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, Sonia. Wow. Merry Christmas. मेरी क्रिसमस. क्या हुआ? तुम मुझे विश नहीं करोगी? तुम्हारा चेहरा पोस्टर बना हुआ है. जगह कहाँ है विश करने के लिए? ओके ओके टोनी रिलैक्स. मेरी क्रिसमस. चीयर्स. सोनिया सोनिया बड़ा स्मार्ट बनता है. पूरा चेहरा लिपस्टिक से भरा है और पूछता है विश नहीं करोगी? अरे क्या समझता है अपने आप को? ए सोनिया वहाँ क्या कर रही हो? अरे वहाँ से क्या चिल्ला रहा है? मर्द का बच्चा है तो नीचे आके बात कर. ये क्या कर रही हैं आप? रात को दिखाई नहीं देगा क्या?
दारू पी रही हूँ। किस खुशी में? खुशी में भी हो या गम में? तुमको क्या? तुम जाओ और उन स्टूपिड लड़कियों के साथ फ्लर्ट करो। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब लड़कियाँ ही मेरे पीछे पड़ी हूँ तो इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? लड़कियाँ पीछे पड़ी हुई है। हाँ। चेहरा देखा है अपना? लंगूर हो लंगूर। क्या कहा? एक मिनट, और तुम क्या कर रही थी? वो अतुल के साथ ओपनली फ्लर्ट कर रही थी। क्यों, तुम्हें बुरा लगा? बुरा? मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुमको जो करना तुम करो, मुझे क्या? करो। क्या करो? रात को दिखाई नहीं देता, दारू पी रहा हूँ। मेरी बॉटल खत्म की ना तो मैं जुमे खत्म कर दूंगी। खत्म। वाओ, गॉर्जियस। शिप कहाँ गया? तुम्हें दिन में भी दिखाई नहीं दे रहा क्या? चला गया। चला गया? हाँ। हमें छोड़ के चला गया? हाँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तुम रात को दारू पीती, ना तुम्हारा दिमाग खराब होता और ना तुम इस बोट में आके बैठती। ए मिस्टर, तुम एक बात भूल रहे हो, ना तुम फ्लर्ट करते, ना मैं दारू पीती, ना मेरा दिमाग खराब होता और ना मैं इस बोट पर आकर बैठती। लगता है रात की उतरी नहीं तुम्हारी, बिना सोचे समझे कुछ भी पकती जा रही हो। तुम जानते नहीं हम किस मुसीबत में फंस गए। मुसीबत? कहाँ है मुसीबत? ऊपर नीला नीला आकाश, खुली खुली हवा और चारों तरफ पानी ही पानी। जब प्यास लगेगी ना तो पीना ये नमक वाला पानी, और जब भूख लगेगी तो खाना ये खुली खुली हवा, और जब रात में ठंड लगेगी तो ओढ़ना अपना ये नीला नीला आकाश। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और हमें सुनेगा कौन? या है कौन? मैं सुनूंगी ना, तुम कहो। अब तुम चुप हो जाओ और मुझे सोचने दो कि हम क्या करें। मैं बताऊं क्या करें? चलो छुपा छुपी खेलते हैं। शट अप! पता चला कुछ नहीं? एक्सक्यूज मी कैप्टन, वी नीड योर हेल्प। Rohit and Sonia are not to be found on the ship. What? Yeah. Have you searched the whole ship? Wow! How beautiful! कब तक चप्पू चलाता रहूँगा? कोई किनारा नजर नहीं आ रहा। आइलैंड! वो देखो, आइलैंड आ गया। देखो, देखो, देखो। किनारा, लगता है किनारे किनारे पे लिखा है आने वाले का नाम। शाबाश, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। मैं साहब, ज्यादा चिल्लाओ मत, एक रपटा दूंगा ना, सारा जोर निकल जाएगा। रपटा? हाय, कितना रोमांटिक वर्ड है, मैंने पहली बार सुना है। तुमने कहाँ से सीखा ये रपटा? हर चीज में रोमांस। देख क्या रही, उतरो, धक्का लगाओ। तोते की तरफ बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। चलो चलो, धक्का लगाओ। ये तो गई। अरे कोई है? कितना अच्छा लग रहा है ना रोहित, हम दोनों एडम और ईव की तरह दुनिया के शुरू होने से पहले इस स्वर्ग में साथ साथ हैं। अपना स्कर्ट उतारो। क्या स्कर्ट? तुमने इसे भी सीरियसली ले लिया?
अरे हम सचमुच के एडम और ईव नहीं है। मेरी बात मानो, अपना स्कर्ट उतारो। क्या तुम पागल हो गए हो? एक सुंदर अकेली लड़की का सुनसान जगह पे फायदा उठा रहे हो? निर्दयी, निर्लज, बस मुझे और हिंदी नहीं आती। तुम ऐसे नहीं मानोगी? ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता, झंडा लगा रहा हूँ। झंडा? लेकिन क्यों? वो लोग हमें ढूंढने निकलेंगे तो शायद उनकी नजर झंडे पर पड़ेगी। उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि हम यहीं कहीं आसपास हैं और हम शायद बच जाएंगे। कुछ समझ में आया? लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए और हमें डिस्टर्ब करे। मैं वापस नहीं जाना चाहती। क्या मतलब? मैं यहाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। वो देखो, वो देखो, उस पहाड़ पर हमारा ट्री हाउस होगा, हम वहाँ रहेंगे। तुम सुबह काम पर चले जाओगे और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और फिर जब तुम शाम को थक कर लकड़ियाँ काट कर वापस आओगे तो मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराऊंगी। तुम आग जलाओगे और मैं तुम्हें देखती ही रहूंगी, और फिर तुम खाना पकाओगे और सब काम मैं ही करूंगा कि तुम भी कुछ करोगी? करूंगी ना। क्या? तुम्हारे हाथ से खाऊंगी। हाँ, फिर मैं तुम्हें लोरी गाकर सुलाऊंगा और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बहरी गाकर जगाऊंगा, और फिर जब तुम नहीं उठोगी तो तुम्हें कस के दो थप्पड़ मारूंगा। थप्पड़? हाउ मीन। थप्पड़ क्यों मारोगे? सपने से जगाने के लिए थप्पड़ ही काम आता है। ओए, कहाँ जा रहे हो तुम? मैकडॉनल्ड से हैमबर्गर लाने जा रहा हूँ, तुम खाओगी? हाँ, लेकिन वेजिटेरियन। के लिए वो लोग आए और चले गए, बेवकूफ लड़की। क्या कहा तुमने? मुझे बेवकूफ कहा? हाँ तुम्हें, तुम सरफिर पागल मगरूर लड़की। धक्का मारता है? हाँ धक्का क्या, तुम्हें तो जान से मार डालूंगा। मुझे मार डालेगा? मुझे? रोहित, I can't climb, रोहित! कैसे बचा? तेरा तो मुझे भी नहीं आता। बचा! अरे ये तो सचमुच डूब रहा है, रोहित! Stupid
इडियट उल्लू कहीं के, जब तैरना नहीं आता तो पानी में क्यों कूदे? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाली? क्यों क्यों कहो ना। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या क्या कहा तुमने, फिर से कहो। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? जो तुमने कहा वो फिर से कहो। मुझे तुमसे प्यार है। फिर से कहो ना। क्या कहो ना, प्यार है। कहा ना प्यार है। बस कहते रहो, बार बार कहते रहो। कहाँ ना प्यार है, कहाँ ना प्यार।
सच बोलूं फिर अपना ख्वाब न पूरा होता, कहता है मन अपना मिलन दुनिया में यादगार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहा ना प्यार है कि तुमसे प्यार है। अभी से तारे गिन रहे हो? इनमें एक चेहरा ढूंढ रहा हूं। किसका? अपनी माँ का। मैं समझी नहीं। माँ कहती थी कि जब कोई अपना दुनिया छोड़कर चला जाता है तो वो एक सितारा बन जाता है। मेरी माँ भी मुझे बचपन में छोड़ गई थी, तो क्या वो भी एक सितारा बन गई होगी? और आज यही सितारे हमारी जिंदगी में रोशनी ले आए हैं। तो एक वादा करो कि ये रोशनी हमारे दिलों में सदा के लिए रहेगी। वादा करता हूं इन सितारों की तरह हमेशा। क्या कर रही हो? झंडा लगा रही हूँ। क्यों? ताकि मैं शहर वापस जाकर सारी दुनिया के सामने कह सकूं कि आई लव यू। क्या हुआ? आज मैं वापस नहीं जाना चाहता। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सोनिया, तुम नहीं जानती कि उस शहर उस दुनिया में तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी दीवारें हैं। कहाँ है दीवार? मुझे तो कोई दीवार नजर नहीं आती। देखा है कोई दीवार? को भी इसी वक्त नौकरी से निकाल कर बाहर करो। ओए तू फिकर ना कर सक्सेना, मैंने उसे नौकरी से निकालने का फैसला कर ही लिया है और ये भी कोशिश करूंगा कि उसे और कहीं नौकरी ना मिले। गुड, सड़कों की खाक छाने दो उसे। डैडी, आपका ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। डैडी, डैडी मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितना अच्छा है। आप उसे नहीं जानते, ये आपकी अपनी नफरत है जो उसे अच्छी तरह पहचान नहीं रहे। मुझे उसे पहचानने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पहचानता हूं और मैं अपने आप को पहचानता हूं। मैंने एक फैसला कर लिया है, तुम न्यूजीलैंड जा रही हो मेरे भाई के पास अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। ओके, गुड। Thank you.
रहा तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट। मैंने राजू चाचा से फोन पे बात कर ली, वो लोग तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने आ जाएंगे। मुझे मालूम है तुम्हें अभी बुरा लग रहा है, लेकिन समझने की कोशिश करो, उसमें और हम में बहुत फर्क है। रोहित, फर्क देख रही हो? तुम इस शानदार गाड़ी में बैठी हो और वो इस दो कौड़ी की साइकिल पर। देखो, वो जमीन पर है और तुम। अब तो कोई फर्क नहीं है ना डैडी? वाह, तेरी अखां दे सामने वो सोनिया को लेकर चला गया और तू देखते ही रह गया, उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। मलिक, मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला और फिर मुझे लगा कि मेरी बेटी मेरी यहां। चल, कोई नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फौरन पुलिस में जाकर इंफॉर्मेशन दे दे, वरना शादी करके आ जाएंगे तेरा आशीर्वाद लेने। आप गलत सोच रहे हैं सर, हम वापस आए जरूर हैं, मगर हमने शादी नहीं की। भगाकर शादी करने में हमारे प्यार की बेइज्जती है सर। मैंने सोनिया से प्यार किया है और अपने प्यार की मैं इज्जत करता हूं। मैं सोनिया से तब शादी करूंगा जब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। जी नहीं सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, मुझे अपने आप पर भरोसा है, यकीन है। रोहित, मैं तुम्हारी बातों से, तुम्हारे जज्बे से बहुत इंप्रेस हूं। आई एम रियली रियली इंप्रेस्ड। मैं वादा करता हूं, अगर तुम अपने इरादों में कामयाब हो गए तो मैं अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। डैडी, ओह डैडी, यू आर अ स्वीटहार्ट डैड, आई लव यू। जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरा यहां आना मेरी कमजोरी ना समझेगा। मैं सोनिया को आपके पास अमानत के तौर पर छोड़कर जा रहा हूं। मैं अपने हिस्से की ईमानदारी रखूंगा और आप अपने हिस्से की ईमानदारी रखेंगे। मैं वादा करता हूं, मैं अपने हिस्से की ईमानदारी जरूर बरतूंगा। और फिर ईमानदारी तो हमारा पेशा है, क्यों मलिक? हाँ हाँ। बाय सोनिया। रोहित, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और तुम्हें कामयाब बनाने के लिए मैं तुम्हारे साथ। लेकिन कैसे? इसके पास आवाज है और इसकी आवाज हम लोगों तक पहुंचाएंगे। ये चर्च के स्टेशन पे खड़ा होकर गाएगा क्या? स्टेशन पे नहीं, कम से कम स्टेज पे तो खड़े होकर गा सकता है। आइडिया, इसकी आवाज हम कैसेट में रिकॉर्ड करेंगे और यही कैसेट सब कॉलेजेस में बांटेंगे और डिस्कोस में भी बांटेंगे और ट्रैफिक सिग्नल्स पे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जब आवाज पॉपुलर हो जाएगी तब स्टेज शो करेंगे। फैंटास्टिक, और स्टेज शो की जिम्मेदारी मेरी। इसे कहते हैं स्ट्रोक। मैं क्या स्ट्रोक पे स्ट्रोक, तो रोहित मार रहा है। सारे शहर में जितने भी जाओ रोहित ही रोहित है। मुझे लगता है वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगा और तुम अपना वादा निभाने पर मजबूर हो जाओगे। मलिक, मैंने वादा बहुत सोच समझ कर किया था, उसकी कामयाबी और मंजिल का फैसला हम तय करेंगे, और अभी मंजिल बहुत दूर है। हेलो, शिंदे बोल रहा हूँ, मैं अभी अभी कमिश्नर वर्मा से मिलकर आ रहा हूँ। वो आपके बारे में काफी पूछताछ कर रहा है, मेरे को डर है कहीं वो आपके खिलाफ कोई कदम ना उठा ले। ओए तू घबरा मत, इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए तू कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात करवा दे। सोनिया,
तुम यहाँ कैसे आ गई? इतने दिनों बाद मिल रही हूँ। कोई सवाल मत करो, मुझे अपना साथ महसूस करने दो। रोहित, अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकती। जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम क्या सोचती हो, मैं रह सकता हूं तुम्हारे बगैर? अरे ये सब कुछ तो मैं तुम्हें पाने के लिए तो कर रहा हूं। रोहित, न जाने मुझे आज डर सा लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा? लगता था। जब कभी भी मैं सोचता था कि मैं इस दुनिया के सामने गा पाऊंगा या नहीं, बहुत डर लगता था। लेकिन तुमने आज मेरे दिल में इतना प्यार भर दिया है कि शायद डर के लिए कोई जगह ही नहीं बची। आज मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। सुनिए, आज हमारी जीत का दिन है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास, और हमारे साथ वो सितारे। और हम सब भी तुम्हारे सितारे हैं। और किस्मत भी हमारे साथ है, शो के सारे टिकट बिक चुके हैं। द शो इज हाउस यार। ओए एक मिनट, मैं भूल गया यार, क्या टाइम क्या हुआ है? 5 बजे। अरे मुझे अमित को पिकअप करने जाना था यार, तो अपनी बाइक लाए? हाँ है मेरे पास, मैं ले जाऊँ? ये ले। थैंक्स, मैं अभी है। जल्दी आना, आई विल वेट फॉर यू। कम ऑन यार, लेट्स गेट रेडी फॉर द शो। आइए कमिश्नर साहब। और जी, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था मलिक, लेकिन ऐसी नामुनासिब जगह पर नहीं। जगह तो नामुनासिब है, मगर राज की बातें राजदार और खुफिया जगहों पर ही की जाती हैं। तुम्हारी वो राज की बातें अब राज की नहीं रही, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट से जो भी ड्रग्स जलाने के लिए बाहर जाती हैं वो जलती कम है और तुम्हारे पास ज्यादा पहुंचती हैं। तो आप मुझे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने ही आया हूं मिस्टर मलिक, लेकिन अगर तुम सरकारी गवाह बनकर मेरे डिपार्टमेंट के उन लोगों के नाम बता दो जो तुम्हें ड्रग सप्लाई करते हैं, मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूं। बात तो आप मेरे हक की कर रहे हैं, लेकिन वो नाम मैं इन पुलिस ऑफिसरों के सामने बता दूं तो सेफ रहेगा? ऑफ कोर्स, ये दोनों मेरे भरोसे के आदमी हैं। सर जी, रोहित ने सब कुछ देख लिया है। जान से मार दो। चलो फास्टर फास्टर। Thank you.
लोग आ गए हैं, लेकिन रोहित का अब तक कुछ पता नहीं। सोनिया, रोहित का क्या हो गया? रोहित का एक्सीडेंट हो गया। रुक जाइए, आप आगे नहीं जा सकते। मेरा रोहित, बोलो ना, क्या हुआ मेरे रोहित को? पानी में गिर गया, लेकिन रोहित को तो तैरना नहीं आता। अतुल, अटकारो, रोहित को तैरना नहीं आता। रोहित को बचाओ। सर, बॉडी नहीं मिली। रोहित, डॉक्टर साहब ये कुछ बोलता क्यों नहीं? ये क्या देखता रहता है? रोड्रिक्स, ये हमारे बच्चे लोग के साथ क्या हो गया? कौन ऐसा क्यों किया? कहता है मन अपना मिलन दुनिया में यादगार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। ओए सक्सेना, बहुत बड़ी खुशखबरी है। कदम और शिंदे ने कमिश्नर का केस बंद करवा दिया है कि वो एनकाउंटर में मारा गया। ले, ये भी बाजी हमारी हो गई। मलिक, हमारी इस जीत की बाजी में एक बाप को मात मिली है। महीना गुजर गया है, सोनिया रोहित के गम में बेहाल सी हो गई है, जिंदगी से जैसे नाता टूट गया है उसका। ओए मेरे यार, वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। उसका माहौल ही बदल दे, उसे कहीं दूर भेज दे। शायद तुम ठीक कहते हो, मैं उसे अपने भाई के पास भेज देता हूं। अपने कमरे में होगी बेटा? कमरे में नहीं है, इसलिए तो पूछ रही हूँ ना। अरे संभल के। डोंट वरी डैड, गिरना तो मेरी कुंडली में है। सोनिया, वेयर आर यू? शी इज गॉन मैड। सोनिया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? हमें बाहर जाना है ना। कम ऑन, हम लेट हो जाएंगे। मेरा मूड नहीं है नीता, तुम जाओ। God, what do you mean mood नहीं है? हाँ, पता है सोनिया, यहाँ आए हुए तुम्हें 2 हफ्ते हो गए और तुम एक भी दिन घर से बाहर नहीं गए। I don't care, we're going out. And for God's sake, please get out of that salwar.
जब तक ये सिग्नल ग्रीन होता है मैं मामी को फोन करके इन्फॉर्म करती हूँ कि हम लेट हो जाएंगे, ओके? मैंने कहा जल्दी आने के लिए, मतलब मैंने कहा 2 बजे तक आ जाएंगे। Come on, baby, time to rock and roll. क्या हुआ सोनिया? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जाना है तो जाओ प्लीज। कमाल कर रही हो, ये न्यूजीलैंड का सबसे बेस्ट डिस्को है, तुम म्यूजिक सुनोगी ना तो अपने आप ठीक हो जाओगी। Come on, let's go, man. जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिल मिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हसाना ऐ मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ आए आ ऐ मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ
झोंका सा है, हाँ कोई झोंका सा है। ओ, ओ, ओ अरे ये झोंका एक धोखा सा है, हाँ कोई धोखा सा है। ये कैसी है खुशी जल जल के जो बुझी, बुझ बुझ के जो जली, मिलके भी ना मिली। दोस्तों पर किसी हाल में ना घबराना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ आए आ, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ आए आ। Meet again. कौन है आप? इस कनीस को, मेरा मतलब है इस नाचीस को, राज चोपड़ा कहते हैं। अजीब इत्तेफाक है। I mean, if I'm not mistaken, ये हमारी दूसरी मुलाकात है। But I haven't seen you around. You're not from here, are you? Naturally, Raj, ये है मेरी कजिन सोनिया सक्सेना। ये इंडिया से आई हुई है बरखुरदार और कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने वाली है। Fantastic. लगता है ताजमहल खुद चलकर यहाँ आ गया है। हिंदुस्तान तो आबाद हो गया होगा। Idiot, not आबाद, empty, empty. अमीन वीरान, वीरान, वीरान हो गया होगा। सोनिया, इसकी बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, इसे उर्दू बोलने की बीमारी हो गई है। You won't believe it, ये बचपन से उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक टेटे फुस। Hi, I'll catch you guys in a moment, okay? Anyways, it was nice to meet you. Have you had your breakfast? Yes, Ma. Done that. David, who's it? Ma'am, a very cute young girl asking for Raj. Namaste, auntie ji. Namaste. मैं नीता की कजिन सोनिया हूँ, इंडिया से आई हूँ। मैं राज से मिलना चाहती थी। वो तो अभी अभी स्कीइंग करने चला गया। अंदर आओ बेटी, वहाँ क्यों खड़ी हो? थैंक यू आंटी। प्लीज। What a
ब्यूटीफुल हाउस. थैंक यू. आंटी, आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? करीब 25-26 साल हो गए हैं इंडिया छोड़े. शादी के बाद यहाँ आकर बस गए थे, अब यहीं क्यों के रह गए? आप लोग अभी वापस नहीं गए? मौका ही नहीं मिला. शादी के एक साल बाद राज पैदा हो गया. उसकी देखभाल, स्कूल, कॉलेज, इनका बिजनेस, बस ऐसे ही वक्त निकल गया. और राज? राज कभी इंडिया नहीं गया? नहीं बेटी, राज has never been to India. अब जाएगा भी तो किसके पास जाएगा? We don't have anybody there. Hi, कैसे हो तुम? Oops, here I go again. Gosh, what happened? You okay? Nothing, as usual. जब मैं पैदा हुई थी, तब पंडित जी ने कहा, जहाँ चोट होगी, वहाँ मैं मौजूद होगी. लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में उसकी मौजूदगी गुमशुदा क्यों है? कौन? Oh, सानिया, वो तो सुबह ही गुम होगी, इसलिए मैं गुमसुम हूँ. लेकिन आप इतने सुमसुम क्यों हैं? तुम्हारी कजन सोनिया की वजह से. क्यों? उसने क्या किया? ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया है. रात को सोने नहीं देती, खाना खाने नहीं देती, स्की करने नहीं देती, ड्राइव करने नहीं देती. जहाँ देखता हूँ उसी की शक्ल नजर आती. That's funny. अभी तो तुमने बस उसे देखा ही है. I know, that's what I'm saying. मैं खुद समझ नहीं पा रहा, उसकी एक नजर ही काम कर गई. मैं बता नहीं सकता नीता, वो जिस तरह मुझे देख रही थी, मैं वो आंखें भूल नहीं सकता जिनमें कई सवाल थे. क्या कुछ लिखा था उसके चेहरे पर? So simple, so innocent. और फिर उसका इस तरह चले जाना. I mean, it just left so many questions unanswered, you know. Too much. Oh, wow, Raj, that is so romantic. अगर तुम यही डायलॉग ना सोनिया को कहते तो वो अभी इसी वक्त बेहोश हो जाती. नीता, you've got to help me. मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ. All right. अगर यही बात है तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी आज शाम को वाटरफ्रंट पे. All right then. Done. क्या कह रही हो? इंडिया से कोई लड़की राज से मिलने आई थी? हाँ, और वो कुछ ऐसे पूछ रही थी जैसे राज के बारे में फैसला करना चाहती हो. कमाल है, राज ने कभी जिक्र ही नहीं किया. देयर ही कम्स. आइए आइए बरखुरदार. हाय डैड. हाय माँ. क्यों भाई, क्या छुपा रहे हो? कौन है वो लड़की? लड़की कौन? लड़की? एक्टिंग मत करो, सोनिया तुमसे मिलने आई थी. सोनिया? हाँ. यू मीन नीता कजन सोनिया? हाँ. वो जो इंडिया से आई? हाँ. वो यहाँ आई थी? हाँ हाँ हाँ. बट माँ विजी केम हियर. वो जो लगता है आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है. डैड डैड रिलैक्स डैड, देयर इज नो आग वाग हियर राइट. पता नहीं उसकी बातों से कुछ ऐसे ही लग रहा था. व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल. क्या लग रहा था उसकी बातों से? क्यों बच्चों, पकड़े गए ना? डैड, आपको क्या लगता है कि जो मैं फील कर रहा हूं क्या वो भी एग्जैक्टली वही फील कर रही होगी? हाँ, इसी को तो प्यार कहते हैं. इसी प्यार कहते हैं? हाँ. आई डोंट बिलीव इट. माँ क्या इसी प्यार कहते हैं? रियली डैड? हाँ. Finally. Okay, bye. Hey, कहाँ जा रहे हो? Don't ask me, Dad. I'm in love.
है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम।
जरा चेंज योर मूड, तुम कब तक ऐसे उदास बैठी रहोगी? मैं तो कहती हूँ तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, अपने लिए ना सही लेकिन दूसरों के लिए तो जीना होगा जो तुम्हें चाहते हैं। फिर देखना जिंदगी क्या कमाल की चीज है और पता नहीं कब कैसे चमत्कार हो जाए। चमत्कार तो हो चुका है नीता, इसीलिए तो मैं घबरा रही हूँ। तुम नहीं जानती नीता किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही है। अभी तक तो मैं रोहित का गम भी नहीं भुला पाई थी कि मेरे सामने राज। हाय नीता, हाउ आर यू? व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे? इसे कहते हैं इत्तेफाक, इत्तेफाक नंबर 3। ये हमारी तीसरी मुलाकात है, राइट? हाय। अरे क्या हो गया इसे? नीता मेरी शक्ल तो ठीक है ना? देखो तो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये मुझे देखकर भाग क्यों जाती? मैं देखकर आती हूँ। सोनिया, 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 what's the matter with you? तुम ऐसे पागलों की तरह भाग क्यों चली आए? सोनिया, राज एक बहुत अच्छा लड़का है। He's my best friend। वो एक अच्छे परिवार से भी है। लड़कियां उस पर मरती है और वो है कि तुम पर जान दे बैठा है। प्लीज नीता, ऐसी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्यों अच्छा नहीं लगता? क्या हो गया है तुम्हें सोनिया, और तुम अपने साथ क्या कर रही हो? तुम्हें पास्ट को भूलना होगा और प्रेजेंट में जीना होगा। लेकिन तुम्हारा यही राज तो मुझे पास्ट भूलने नहीं देता। जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मेरा सारा अतीत आईने की तरह सामने खड़ा हो जाता है। राज, राज का तुम्हारे पास्ट से क्या संबंध है? है, बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि राज का चेहरा रोहित से मिलता है और जब भी मैं राज को देखती हूँ तो मुझे मुझे अपना रोहित याद आता है। What did you say? रोहित की शक्ल मुझसे मिलती है? अच्छा, यानी कि उसके भी दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो कान हैं, हाँ? There is nothing to laugh about, राज। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें देखकर भाग जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी शक्ल उसे उसे टॉर्चर करती है। Yeah, right. Torture. I see. Nope. She's not interested. वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। ये सब ना मिलने के बहाने हैं। ये बहाने नहीं है राज, मैं रोहित की तस्वीर खुद देखकर आई हूँ। इट्स अनबिलीवेबल। यही दो आंखें, यही नाक, यही चेहरा। What are you saying, Nita? I mean, that's impossible. मैं वो तस्वीरें देखना चाहूंगा। कहाँ है सोनिया? मैं यहाँ हूँ। हे, हंस रहे हो? डरा दिया ना मुझे? बस इतने में डर गई। और अगर कहीं मेरा चेहरा यूं होता तो मैं तुम्हें यूं करके देखती। और अगर कहीं मेरा चेहरा यूं होता तो मैं तुम्हें करके देखती। और अगर कहीं मेरा चेहरा यूं होता तो मैं तुम्हें इस तरह देखती। अपनी नाक तो ठीक तरह देख नहीं पा रही हो, मुझे कैसे देख सकती? तुम्हें देखने के लिए मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बंद आंखों से भी देख सकती हूँ। इतना प्यार करती है मुझे? इतना प्यार कि चारों तरफ सिर्फ तुम ही तुम नजर आते हो। और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि जब भी तुम अपनी आंखें खोलोगी तो मुझे अपने सामने पाओगी, सामने पाओगी, सामने पाओगी। मैं रोहित की तस्वीरें देखना चाहता हूँ। बहुत हो गया सोनिया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा चेहरा तुम्हें टॉर्चर कैसे करता है, कैसे तुम्हें रोहित की याद दिलाता है। आओ मेरे साथ। देखो ये, देखो ये भी, और ये।
इज इट पॉसिबल? मेरी ये शक्ल अनब्लडी बिलीवेबल। मैंने भी यही सोचा था कि ये कैसे हो सकता है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा मेरा रोहित वापस आ गया है, शायद वो डूबने से बच गया हो। मैं खुशी से खिल उठी ये सोचकर कि मेरा रोहित लौट आया है। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि तुम मेरे रोहित नहीं हो तो मैं दोबारा मर गई। मैं दोबारा मर गई। इट्स अ कार्बन कॉपी। मैंने सुना तो था कि दुनिया में दो शक्लें एक जैसी होती हैं, लेकिन इतना रिजेम्बलेंस, आई होप इट्स नॉट अ जोक। इट इज अ जोक डैन, जो जिंदगी ने मेरे साथ किया। मैंने लाइफ में पहली बार प्यार किया डैड, और उसे पाने से पहले ही खो दिया, क्योंकि मेरी शक्ल उसे रोहित की याद दिलाती है डैड। वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे दूर भागती है डैड। इस भरी दुनिया में किसी भी प्यार करने वाले के सामने ऐसी मुश्किल नहीं आई होगी डैड कि उसका अपना ही चेहरा उसका दुश्मन बन गया हो। आप ही बताइए डैड कि इसमें मेरा क्या दोष है। मैं क्या करूं डैड, मैं क्या करूं? राज, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, तुमने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी। तुमने जो भी चाहा उसे हासिल किया। तुम उसे प्यार करते हो ना? Yes, Dad. Then don't give up, son. Go and get her. Come on. Nita! Nita! आंटी, आंटी नीता घर पे है? आंटी नीता घर पर नहीं है, सोनिया को छोड़ने एयरपोर्ट गई है। Holy shit! Any drink, please? Yes, coke, please. What about you, sir? A coke for me too, please. Thank you. तुम? Hello. तुम यहाँ भी मेरा पीछा करते चले आए? और ये सब क्या है? Well, you see, कुछ लोग मेरी सूरत देखकर भाग जाते हैं, तो इसलिए मुझे इस मूछ का इशारा लेना पड़ा। मेरा मतलब है सहारा, सहारा लेना पड़ा। वैसे अगर ये भी कम लगता है तो दाढ़ी भी लाया। Stop all this nonsense, Raj. और निकालो ये सब। ओके, अगर आपको बुरा लगता है तो निकाल देता हूँ। वैसे मैं तो सिर्फ आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था। राज, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज लीव मी अलोन। सोनिया, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ सह चुकी हो। तुम पर क्या बीती होगी इसका तो शायद मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो सोनिया, तुम भूल रही हो कि जिंदगी अब भी तुम्हारे साथ है। तुम जिंदा हो सोनिया, और इसकी भी कोई ना कोई वजह, कोई कारण, कोई मकसद जरूर है, जो एक ना एक दिन तुम्हारे इन होंठों पर मुस्कुराहट वापस ले आएगा। बस उसी मकसद को ढूंढने में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। Oh.
Look, look. Funny. Very funny. Really, very राज, देखो राज, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। इट्स ओके सोनिया, तुम्हारा जवाब मुझे मिल गया। हम दोनों का साथ शायद यहीं तक था। मैं रात किसी होटल में गुजार कर कल की फ्लाइट से लौट जाऊंगा। एनीवेज, इट वाज नाइस मीटिंग यू। टेक केयर। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने तुम्हारी खींची थी। इन पर शायद अब मेरा कोई हक नहीं। हाँ, यादें मेरी हैं। तुम ये तस्वीरें ले जाओ, यादें मैं ले जा रहा हूं। ड्राइवर, गाड़ी रोको। राज, 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 are you alright? राज, चलो, चलो। पुलिस, पुलिस, पुलिस। इंस्पेक्टर कदम। एक कदम ताला, मैंने रोहित को देखा। क्या उसकी बॉडी बल गई? बॉडी नहीं, उसकी चलती फिरती बॉडी। वो जिंदा है। क्या बकवास कर रहा है तू? तू होश में है कि नहीं? मैं जानता हूँ, जब तक उसे पकड़कर तुम लोगों के सामने नहीं लाऊंगा तुम लोग मेरा यकीन नहीं करोगे। कदम, तुम मेरा सिर्फ एक काम कर दो, रोहित और सोनिया के घर के बाहर पहरा लगवा दो। और हाँ, उनके घर की टेलीफोन लाइन टैप कर दो। हेलो डैडी। सोनिया, सोनिया तुम कहाँ से बोल रही हो? तुमने फ्लाइट की खबर भी नहीं दी मुझे। डैडी, डैडी मैं बॉम्बे पहुँच गई हूँ और ठीक हूँ। मैं रास्ते में हूँ। डैडी, कोई मेरे दोस्त राज को मारने की कोशिश कर रहा है। डैडी, वी नीड योर हेल्प। डैडी, तुम हो कहाँ इस वक्त? ग्लोब शॉपिंग सेंटर के बाहर जो टेलीफोन बूथ है, हम उसी के पास है। अच्छा, तुम घबराओ नहीं, तुम वही रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके डैडी। मैं बांध देती हूँ। अजीब शहर है तुम्हारा, कोई किसी को भी शूट कर सकता है क्या? अभी इंडिया में लैंड ही किया था मैंने, और ये थोड़ा यहाँ का यहाँ होता तो मैं तो फिर टेक ऑफ कर लिया होता मैंने सीधे ऊपर। ठीक से सुना तो था? तुम्हारे कहने पर मैंने उसका फोन टैप किया। उसने इसी टेलीफोन बूथ का एड्रेस बताया था। कदम, वो यहीं कहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे घर के टेलीफोन टैप किए हुए हैं। मुझे भी एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग हैं कौन और मुझे क्यों मारना चाह रहे हैं? मैं पहली बार इंडिया आया हूं और कोई मुझ पर गोलियां चला रहे हैं। आई मीन, इट मेक्स नो ब्लडी सेंस। मैं ना तो यहां पर किसी को जानता हूं और ना कोई मुझे पहचानता है।
बगैर जाने बगैर पहचाने कोई क्यों किसी पे गोली चलाएगा? वो इस चेहरे को पहचानते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? जिस तरह तुम धोखा खा गई थी कि मैं रोहित हूं, वैसे ये लोग भी तो धोखा खा सकते हैं। वो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे, रोहित को मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? रोहित को? वो किसी मामले में इन्वॉल्व था? बिल्कुल नहीं, वो तो एक सीधा साधा सा लड़का था। उसकी मौत कैसे हुई थी? एक्सीडेंट हुआ था। हो सकता है कि वो एक्शन पे ना मरा बल्कि मार दिया गया। मार दिया क्या हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, पर हालात कुछ यही इशारा कर रहे हैं, वरना किसी अजनबी पर कोई गोली क्यों चलाएगा? और फिर तुम्हारे घर के फोन टैप होना, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुमने रोहित और सोनिया को एक साथ एयरपोर्ट पर देखा, फिर तुमने उन पर गोली चलाई, और फिर तुमने मेरे घर के फोन्स को टैप करने की गुस्ताखी की, और फिर से उनका पीछा किया। हाँ सर, लेकिन कदम भी मेरे साथ था। कदम, तुमने रोहित को अपनी आंखों से देखा था? नहीं, मैंने रोहित को अपनी आंखों से नहीं देखा सर, क्योंकि तब तक वो फिर से गायब हो गए थे। ओए, मैंने एक गल दस, मैंने समझा कि मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे दिखाई देता है। ये सब तेरे दारू पीने का असर है। सर, इससे मेरे दारू का क्या संबंध है? मैं कोई अंधा हो गया हूँ? अपनी आंखों से देखा है मैंने। खोते, अगर रोहित जिंदा होता तो हम सब जेल की सजा काट रहे होते, और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सोनिया अभी तक घर नहीं पहुंची। सर, अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाकर पुलिस फोर्स की मदद लो और उसे वापस घर लाओ। टेंशन मत ले, मिल जाएगी। ये तो वही लोग जो कल रात हमारा पीछा कर रहे थे। हाँ, लेकिन मेरे घर के बाहर क्या कर रहे? शायद तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहे। पहरा लगा रहे हैं, कहीं डैडी को तो खतरा नहीं? लगता है मैं पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ। चलो। क्या क्या क्या, दो घंटे के अंदर क्या कर रहा है? क्या खाया था? नीम की गोली खाई थी? खाना खाया था? बाराती बन के किसी की शादी में गया था क्या? दो घंटे बाप का राज है? आप लोग के लिए हवलदारों के लिए नहीं है। हेलो, कौन है बदतमीज? ठीक है, देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम एक कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। अच्छा, कल रात जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तभी एक आदमी एयरपोर्ट और ये पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट पे कितनी फैसिलिटीज होती है ना लोगों के लिए, जो खड़ा होना चाहे वो खड़ा हो गया, बैठ गया, एंजॉयमेंट होती है। और यहाँ देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम एक प्रॉब्लम में देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम इतनी देर से आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुनने समझने की ताकत नहीं है, मैंने इतना कभी रोका नहीं, पहली बार है। क्या है? देखिए, कल रात को जब हम दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तो किसी ने हम पर देखिए किसी ने हाँ पर अब ये सोनिया सक्सेना रोहित नाम के लड़के के साथ भाग गई। इन फोटोग्राफ्स की कॉपी करवाओ और सभी पुलिस स्टेशन पे भेज दो। याद रहे, ये दोनों जहां कहीं भी नजर आए इन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। लगता है मैंने इनको कहीं देखा है। कहाँ देखा? वही तो सोच रहा हूँ सर। अबे तो जल्दी सोच।
चिल्लाइए बस सर, मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि कुछ भी हो सकता है सर। सर, ये इधर ही है, इधर मैं, मेरे पास है, आइए। कहाँ गए हो? वो तो चले गए साहब। पर अब जी तुम्हें पूरा यकीन है यही दोनों थे? हाँ। अरे ध्यान से देखो। राइट लेफ्ट। भाई वो तेरा मौत का खबर सुन के एकदम गूंगा चो गया, मैं कुछ बोलता नहीं। वो तेरे को देखेगा ना तो बहुत खुश होएगा। मैं चल घर चल चल। Hey, my son, Amit, ये देखो मैं तुम्हारे वास्ते क्या लाया। एरोप्लेन, याद है तुम तुम्हारा भाई को बोलता था बगैर एरोप्लेन के तुम पायलट कैसा बनेगा। ये देखो लेके आया एरोप्लेन कैसा चलता है, देखो। वी, वी, वी। अमित, ये देखो एरोप्लेन। बाबा अमित, हम तुम्हारे वास्ते चिकन बना के लाया। तुमको चिकन बहुत पसंद है ना बेटा? यस। इंस्पेक्टर शिंदे, हम एक नामी मुजरिम का पीछा कर रहे हैं। वो इसी एरिया में छिपा है, पुलिस को उसकी तलाश है। ये जारे भग रहे। लेकिन साहब इधर तो कोई भी नहीं आया है। आई मीन ये देखना हमारा काम है। क्या हुआ? यही रोहित का घर है। चैमन क्या मजाक कर रहा है, अपने घर को नहीं पहचानता। साहब पूरा घर छान मारा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये पुलिस तेरे घर पे क्या कर रही है? मन चलो यहाँ से, मैं सब बताती हूँ। हाँ टोनी, और ये सच है। यकीन इच नहीं आता मैं, ये तो एकदम गॉड का मिरेकल है। ये एकदम रोहित का माफिक दिखता है। मैं सोचता है जितना मैं सोचेंगा ना उतना पागल हो जाएगा। मैं जाता है कुछ खाने का अरेंज करके आता है। रोहित की है ना? लेकिन तुम इस धुन की नोटेशन रोहित की किताब में लिखे हैं, और म्यूजिक मेरी भी हॉबी है। यही गीत वो शो में गाने वाला था। इस धुन के बोल याद है तुम्हें? कुछ कुछ। तिल ने तिल को पुकारा,
क्या खाऊं मैं? यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं है। अंडा, इसे बनाते कैसे है? वन टू आपके देश में अंडा इस अंजाम से तोड़ते हैं? क्या अंजाम? अंदाज इस अंदाज से तोड़ते हैं। क्यों, तुम्हारे देश में इसे किस अंदाज से तोड़ते हैं? आउच! और इसे फेंटते कैसे हैं? और प्याज कैसे काटते हैं? हरी मिर्च भी डालना। सब काम मैं ही करूंगा, कि तुम भी कुछ करोगे? करूंगी ना, तुम्हारे हाथों से खाऊंगी। बंदा आपकी किस्मत में हाजिर है। क्यों, तो सही कहा ना मैंने? शिट, मेरा मतलब खिदमत में हाजिर है। तो किस तरह का ऑमलेट पसंद करेंगी आप? स्पैनिश, जापानीज, चीज, बेकन, हैम? God help me. जम्मू से सिपाही। ए, किधर को जाता है? वो हम दूध वाला हूँ साहब, दिखता नहीं क्या? दूध देने जा रहा हूँ मैं। क्या, चार दिन से मैं इधर ही बैठा है, तेरे को तो पहले कभी देखा नहीं। वो हमारा पाप बाबा बाप आया होगा साहब, आज हम आया हूँ। बाप? कौन सा बाप? कल तो कोई औरत आई थी। औरत? माँ, वो हमारी माँ माँ होगी। माँ? पूरा खानदान दूध बेचता है क्या? कैसा है हवालदार बनाए थे ना, कि दूध का बाटली में ऊपर का कमाई है ही नहीं। ए, चल चल अंदर। दूध? यस, कौन मांगता है? दूध वाला, बाटली वाला। टोनी? टोनी? अरे ये टोन दूध क्या करता है मैन? हम ये बाटली का दूध नहीं पीता है, हम वो भैया भैंस का दूध पीता है। जाओ जाओ। सुनो, अंदर किधर जाता है? पुलिस को बुलाएगा अंकल। अरे टोनी, तुम? क्या हुआ? सोच रहा था कि कहीं अमित ने मुझे एक का बचाओ,
How much for this? 200, sir. Sonia? Sonia? Oh my God! Sonia, where are you, man? Your daddy is so upset for you. We are all upset for you. When are you looking for this? One thing to ask. This photo is Sonia Saxena, who is from home. His story and his story, which person will give the police, will be the owner of the inam. इसका रंग गोरा, कद 5'3", काली आंखें और भूरे बाल हैं। जिसे भी ये लड़की दिखाई दे वो इस नंबर पर संपर्क करे। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब, 6-7 वही लड़की, वही लड़की। धन्यवाद। रुको, पोजीशन लो। यहाँ से एक लड़की के बारे में रिपोर्ट आई थी, कहाँ है वो? वो तो साहब, वो तो भाग गई। क्या भाग गई? और उसके साथ एक लड़का था? हाँ, उसके साथ एक लड़का था। यही लड़का था ना? नहीं, ये तो नहीं था। तुमने किसकी इजाजत से, किसकी इजाजत से सोनिया की तस्वीर टेलीविजन पर दिखाई? सर सर, मुझे लगा कि सोनिया और रोहित को पकड़ने का यही सही था। ओए रोहित, 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 ओए की खा लिया तूने? उस औरत ने तुझे साफ लफ्जों में नहीं बताया कि सोनिया के साथ कोई और था? ओए कदम, इस नालायक नु की हो गया, ये गड़बड़ क्यों कर रहा है? तुम्हारी बेहूदगी को देखकर जी में आता तो मैं गोली से उड़ा दूं। हेलो, हेलो डैडी। सोनिया, सोनिया तुम कहां हो बेटी? डैडी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कहां हूं। आपका फोन टैप किया हुआ है और घर के बाहर पहरा भी लगा हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूं डैडी, मैं फिर से फोन करूंगी। हेलो, हेलो, क्या हुआ? मेरे घर के बाहर पहरा तुमने लगाया? कैसा? क्यों, तुम जानते मेरी बेटी की जान को खतरा है? तो फिर तुम क्यों नहीं चाहते कि वो घर पर वापस आए? सर, आपकी बेटी के घर आने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो सिर्फ रोहित पर नजर। रोहित, अगर तुमने रोहित का किस्सा यहीं खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हें पुलिस फोर्स से निकलवा दूंगा। रोहित मर चुका है। सोनिया, अमित, तुम यहाँ कैसे आ गए? भैया, मैं आपको घर ले जाने आया हूँ, घर चलिए। नहीं अमित, इस वक्त मेरा घर आना ठीक नहीं। मुझे पता है भैया, आप डरते हो ना कि पुलिस आप पर फिर से गोली चलाएगी। ये तुम कैसे जानते हो कि पुलिस ने मुझ पर गोली चलाई? मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा था? जिस दिन आपका शो था ना, उस दिन मैं आपका इंतजार कर रहा था और आप मुझे शो पर ले जाने वाले थे। मैं आपको एक प्रेजेंट देना चाहता था, इसलिए मैं सूट खरीदने दुकान पर गया और फिर वापस लौटा तो मैंने देखा। सर जी, रोहित ने सब कुछ देख लिया। ये सर जी कौन है? अमित, तुम उन तीनों को पहचान सकते हो? पहले कभी देखा है उन्हें? नहीं, अगर मैं उनको देखूंगा तो पहचान लूंगा। लेकिन ये तीनों एक साथ देखने को किधर मिलेगा? हाँ, एक रास्ता है,
एक तरीका है उन तीनों को एक साथ देखने का। मुझे सामने आना होगा। वो लोग मुझे रोहित समझकर फिर से मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेंगे और हमें तो उन्हें पहचान लेगा। लेकिन सवाल यह है कि मैं सामने आऊं कैसे। hey, एक आइडिया है, क्यों ना हम उस शो की अनाउंसमेंट कर दे जो रोहित अधूरा छोड़ के चला गया था। हा? पूरे शहर में पोस्टर लगा देंगे, रोहित इज बैक, रोहित वापस आ गया। सॉलिड आइडिया बॉस, सिंपली ग्रेट, एकदम फर्स्ट क्लास। शो का खबर सुन के वो लोग उधर आएगा, अरे 100% अनाज पड़ेगा। अपन ना जगह जगह पे वो टीवी कैमरा लगा देंगे और वो क्या बोलता है मैन उसको, क्लोज सर्किट टेलीविजन, वॉच, उस पे अमित उन लोग को पहचान लेगा। गुड आइडिया मैन, गुड आइडिया। लेकिन ये बात अपन लोग के सिवा किसी और को मालूम होने को नहीं मांगता है। चलो तुल, तैयारी शुरू करते हैं। चलो सोनिया, क्या बात है सोनिया, ये अकेले क्यों खड़ी है? तुम वापस जा रहे हो। वापस? और शो का क्या होगा? कोई शो नहीं होगा, मैं कोई शो होने नहीं दूंगी। लेकिन क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि रोहित के कातिलों का पता चले? हाँ मैं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी जान को खतरे में डालकर नहीं। शो में कुछ भी हो सकता है। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, कम से कम तुम्हें सच्चाई का पता तो चले। लेकिन तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालना चाहते हो? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। I love you. ये देखिए, रोहित इज बैक, उसका शो हो रहा है। आप लोगों ने मुझे थप्पड़ मारे, मुझे पागल समझा, मुझे नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। शिंदे, अरे छोड़ो यार, दारू पी पी के मेरा भेजा पोपला हो गया है ना, अब देखो अपनी मौत के परवाने को अपनी आंखों से देखो। देखिए शिंदे, इतने यकीन से कह रहा है, हमें चलकर देख लेना चाहिए। चलो चलकर देख लेते, दाद देता हूं तुम्हारी अकल की। अगर वो रोहित ही है और उसने तुम तीनों को एक साथ देख लिया तो वो पहचान लेगा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सिर्फ मैं हूं जिसको उसने नहीं देखा, मैं जाकर देखता हूं। रोहित, 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 रोहित। सबको याद है क्या क्या करना है? Yeah. Alright then, let's go guys and let's do it right. Good luck. Atul, yeah. We must start operating the cameras and the monitors immediately. Okay. और टोनी तुम क्या हुआ अमित, ऐसे क्यों देख रहे हो? आप मेरे भैया नहीं है। कौन कहता है? सब कहते हैं कि आप मेरे रोहित भैया नहीं है। तुम्हारा दिल क्या कहता है? कि आप मेरे भैया हैं। मेरा दिल भी यही कहता है। अमित, चलो चलो जल्दी चलो, टीवी रूम में जाने का है। कमोन कमोन कमोन, हरी अप, कम 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 कम, दैट्स अ गुड बॉय। चलो राज, ऑल द बेस्ट और अपना ख्याल रखना। हे सोनिया, तुम्हारे डैडी आए हैं तुमसे मिलने। डैडी, डैडी। बेटे ये सब क्या हो रहा है? तुम कब से आ गई हो लेकिन अब तक लापता, और तुम अब तक थी कहाँ, किन लोगों के साथ हो तुम, और ये क्या मतलब है रोहित वापस आ गया है, रोहित का शो हो रहा है? डैडी, रोहित नहीं, राज है, राज चोपड़ा। राज चोपड़ा? हाँ, इसकी शक्ल रोहित से बिल्कुल मिलती है। ये मुझे न्यूजीलैंड में मिला था और ये हमारी मदद कर रहा है ताकि हम रोहित के कातिलों का पता लगा सके। रोहित के कातिलों का? दो पुलिस वालों ने रोहित पर गोलियां चलाई, क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है डैडी, रोहित के छोटे भाई अमित ने ये सब अपनी आंखों से देखा है।
चलिए ना डैडी, चलिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। मलिक कहाँ हो तुम? मैं स्टेडियम में। पागल हो गए क्या? मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ आने से। जी घबराओ मत, तुम भी हमें नहीं पहचान पाओगे। मुझे सोनिया ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। ये रोहित नहीं, उसका हम शक्ल राज है, राज चोपड़ा।
थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। ये आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे यहां मौत के मुंह से बचा कर लाया है। ये एक तरह का चमत्कार है, एक अनहोनी घटना कि एक मरा हुआ आदमी आज आपके सामने खड़ा है। वो आदमी जिसके बारे में मशहूर किया गया था कि वो एक्सीडेंट में मारा गया है। दरअसल दोस्तों, वो किसी एक्सीडेंट में नहीं मरा था, बल्कि उसे मार दिया गया था। भगवान ने शायद मुझे इसीलिए बचा कर रखा ताकि मैं आपके सामने सच बता सकूं, उन हथियारों की पहचान करा सकूं, उन्हें बेनकाब करा सकूं, ताकि उन्हें सजा मिले भगवान की तरफ से भी और कानून की तरफ से भी। उनके एक्सक्यूज मी सर, आप अपना मोबाइल बंद करेंगे प्लीज? और अब मैं उनके नाम बताने जा रहा हूं। वो तीन आदमी थे, उनमें से दो आदमी पुलिस इंस्पेक्टर थे। और उनके नाम है I'm okay. हेलो मलिक, मैंने तुम्हें मना किया था ना कुछ करने से। ओए चिल्ला मत, अपनी बेटी के साथ मिलकर हमारे साथ चाल चल रहा है। अरे रोहित ने तो तुझे देखा नहीं है, फंसेंगे तो हम तीन। अब तू मेरी चाल देख। हेलो रोहित को फोन दो। राज, रोहित के वास्ते फोन है। हेलो। बहुत होशियारी कर ली है तूने, हमारे नाम बताने से पहले ही आवाज सुन ले। सुन ली ना आवाज? अब मेरी बात सुन, बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है, नंबर है MH02M3818। नंबर याद कर ले, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, अकेले आना, समझा? क्या क्या हुआ? वो लोग सोनिया को ले गए। मुझे अकेले बुलाया। सुनो, क्या हुआ? हेलो, गाड़ी स्टार्ट कर और जैसे मैं कहता हूं वैसा ही कर। अब राइट में ले, अब सामने वाले गेट के अंदर आ जा। मैं आ गया हूं, सोनिया को छोड़ दो। नहीं राज, तुम यहां से चले जाओ। यहाँ आ और इसे छुड़ा कर ले जा। सर, वो नहीं है। रोहित,
तीन गिनने तक अगर तुम सामने नहीं आए तो अपनी आंखों से एक लाश और देखोगे। एक, दो। ऐसे नहीं मानेगा। बुला, बुला रोहित को। नहीं बुलाऊंगी। बुला रोहित को। नहीं बुलाएगी। बुला। चिल्ला। वैसे नहीं आएगा, इसकी मौत पर आएगा। और हालात ने मजबूर कर दिया है कि तुम मुझे इस शक्ल में देख रही हो। लेकिन अंकल, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि रोहित ने हमें कमिश्नर का खून करते हुए देखा था। I'm shocked. शॉक तो तुम्हें अब लगेगा जब मैं तुम्हें अपने चौथे साथी का नाम बताऊंगा। सुनना चाहोगी उसका नाम? जी को फोन किया था।
क्या है? तो आप हैं सर जी। डैडी, आप ही? हाँ बेटी, जुर्म तो मुझसे हुआ है और मैंने उसे छुपा कर रखा, तुमसे भी और दुनिया से भी, लेकिन उससे ना छुपा सका। वो किस वक्त, किस रूप में, कहां, कैसे सजा देता है कोई नहीं जानता। मुझे माफ कर दो बेटी। जा रहे हो राज? बस जा रहा हूं अमित को अपने साथ लेकर वापस अपने घर। और मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? मैं अपना प्यार एक बार खो चुकी हूं, दोबारा नहीं खोना चाहती। एक बार कह दो, कहो कि मुझसे प्यार है। Yeah.